गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन नया व्लॉग नई शुरुआत। और होली का सेलिब्रेशन हम लोग अपनी बालकनी से देख रहे हैं। टू मच फन। हैप्पी होली एवरीवन हु इज वाचिंग दिस व्लॉग। आज कुछ ज़्यादा स्पेशल प्लान नहीं है क्योंकि आज है रात में दावत मेरे कज़न मामू हैं उनके घर पे। तो वो भी एक्टर है, फारूक सईद उनका नाम है, और वो यहीं मुंबई में काफ़ी सालों से रह रहे हैं और यहीं पर बालाजी के काफ़ी शोज़ वो करते हैं। तो आज उनके घर पे दावत है, उन्होंने हमें बुलाया, तो हम लोग अपना इफ्तार करके तरावी पढ़ के उनके घर जाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये देखो यहाँ कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है और ये वो पनीर स्प्रिंग रोल तो बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है? हेल्प कर रहे हैं। चलो ठीक है, आज आज बन रहा है पनीर स्प्रिंग रोल। पनीर की बहुत मोटी गिट्टी पड़ी है। गिट्टी बड़ी है? व्हाट इज गिट्टी? गिट्टा बड़ा है यार, एक ब्लॉक मंगवा। डल्ला है, मोटा डल्ला। वो डल्ला आज आज तो शेफ कौन है आज? डैडी है शेफ हमारे? नहीं नहीं, मिले थे शेफ। अच्छा ये दोनों शेफ है, ये शेफ और ये असिस्टेंट। डैडी को रियलाइज हो गया अकेले पे नहीं है। दिस इज टू मच इंग्लिश। ये देखिए सबसे सीधी औरत, ये अपना कुरान शरीफ पढ़ने में लगी हुई है माशाल्लाह। जन्नती जन्नती कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। मम्मी ने मुझे धमकी दी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये है वो लड़की जो पुरानी चीजों को ठिकाने लगाना चाहती है। बहुत ही डीप डिस्कशन चल रहा है कि पिछले साल की शीट इस्तेमाल हो या ना हो। मैं कहता हूँ हो। नहीं नहीं यार, अभी तो एक महीने पुरानी है, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। ये रेडियम बात संभाली है, वो पिछले साल पुरानी है। बेटा वो कुछ साल पुरानी है, जब तुम पैदा हुए थे तब आई थी। है वो तो लंगोट होगी गिफ्ट में, वो भी वो लंगोट होगी। रेडी कंफ्यूज हो रही है, कुछ लोग गिफ्ट हैम्पर में रख कर के ले आए थे। मम्मी देखिए डैडी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मम्मी डैडी कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या बना रही हो भाई? स्पेशल डिमांड आई है क्योंकि हम बहुत बार मिर्ची वड़ा बना चुके हैं और अब तक हमने रेसिपी नहीं दिखाई थी सबको, तो सब लोग आई थिंक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि हम लोग मिर्ची वड़ा एक्चुअली बनाते कैसे हैं। राजस्थान स्पेशल मिर्ची वड़ा, राजस्थानीज स्पेशल मिर्ची वड़ा कैसे बनाते हैं। तो एक बार फिर पेश है राजस्थानी मिर्ची वड़ा फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। तो यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली, स्पेसिफिकली मोटी वाली मिर्ची लेनी है। इसमें अंदर इसका पेट खाली कर दिया मैंने, इसकी जितने इसका भी रोजा है क्या? इसलिए इसका पेट खाली हो गया। ये इबादत करेगी, इसने नमाज पढ़ी है क्या? अल्लाह तौबा। तो इसका पेट खाली कर दिया हमने, बीज निकाल दिए क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा मसाला भरना है। तो स्पेसिफिकली मोटी वाली मिर्ची जो राजस्थान में मिलती है, आगे और भी मिलती होगी, जो भी मोटी वाली मिर्ची वो ले लें। इधर बैटर में मैंने बेसन, ज़ीरा, थोड़ा सा इतना सा लहसुन पेस्ट, नमक, मिर्च और ये सब मिला कर मैंने रख दिया। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और क्या डालने वाली हूँ, भुना पिसा ज़ीरा भी डालने वाली हूँ और थोड़ी हल्दी। तो ये हमने इधर घोल बना कर रख दिया है जो कि हम बाद में लगाएंगे। आलू उबालनी है। आई हैव टेकन अबाउट 5 पोटैटोज, बट एक्चुअली 3 ही सही है, 5 मिर्ची बनाने के लिए 3 आलू शुड बी इनफ। तो अभी सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। मसाले के लिए हमने पैन में ऑयल गर्म कर लिया है ऑलरेडी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, मेरा कैमरा वर्क कितना अच्छा हो गया। मैंने यहाँ पर बारीक मिर्ची काट के रखी है। मिर्ची बड़ा में और मिर्ची? हाँ मसाले में तो अलग से रहेगी ना, मैंने वो मिर्ची काटने के बाद अपने अपर लिप्स पे लगा ली है। Like always, हमेशा का है। मैं कभी नाक में लगाती हूँ, कभी आँख में लगाती हूँ और ऐसे भाप लग जाएगा। इसमें मैंने दो ज़्यादा मिर्ची काटी है, आप दो काटिएगा।
हम थोड़ा स्पाइसी का चटपटा खाते हैं। थोड़ा सा ना रोजा मुकरू ना हो जाए, फिर आपने ये लग गया है ना मुंह धोले। अंदर नहीं गया। अच्छा। अंदर नहीं आना। मैं एग्जॉस्ट चला रहा हूँ। फिर आवाज नहीं आएगी। मिर्ची डाल दी है इधर। ये मैंने अदरक बहुत सारी क्रश करके रखी थी। अदरक का बहुत सही फ्लेवर आता है, सो मेक श्योर यू पुट अदरक। और कैमरामैन को बहुत खांसी आ रही है। ये मैंने अदरक डाल दी। प्लीज कैमरामैन क्लोज शॉट करके दिखाइए। ये थोड़ी सी अदरक गई। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। कैमरामैन फोकस करो। ये तो शॉट नहीं, ये तो हॉट नहीं, ये तो रील बन गई हमारी। आउच, उछल के आ गया गंदे से जो इसमें डाला ये नमक, इसमें डाली फिर ये लाल मिर्च और लाल मिर्च, मैं थोड़ा सा थोड़ी सी क्या कहते हैं इसे हल्दी। फिर खोलेंगे दरवाज़ा और इसमें से निकालेंगे कुछ सामान, आई डोंट नो व्हाट। इसमें से निकालेंगे गरम मसाला जो कि चिंग्स के शेजवान सॉस की बोतल में है। वो कहते हैं ना आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन यू लव दिस क्या चीपड़ चीजें, चीपड़ चीज। आई लव दिस, मैंने रखी है वो। ओह माय गॉड, लेमन जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अंदर जा रही है इज 1 स्पून शुगर। थोड़ी सी मिठास जरूरी है हर चीज में, हर चीज में, रिश्तों में भी और खाने में। ये कार चिमनी बंद होती है और हम ये बात बोल पाते नहीं, ये आवाज आ रही है। तो ये गई थोड़ी सी मिठास, इसमें श्रीन ने अपनी श्रीन डाल दी। ये गया थोड़ा सा भुना पिसा जीरा। फ्राई करें, कच्चापन चला जाए तो इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। और रखने के बाद मैं इसको इन मिर्ची के अंदर भरूंगी। मैं एक्चुअली हींग डालना भूल गई इस मसाले में, तो अगर ऐसे कुछ आप भूल जाएं तो वी स्टिल हैव एन ऑप्शन। इसमें आप डाल सकते हैं क्योंकि बेसन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा गैस और ये सब बनाती है, तो रमज़ान में वैसे भी गैस छोड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं। गैस छोड़ना आगे थोड़ा छोड़ता है, कोई गैस यहाँ तक छोड़ता है, गैस छोड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो गैस ना बने इसके लिए थोड़ी सी हींग ज़रूर डालते हैं। ये मसाला इसको मैंने पेट को खाली कर दिया था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की ऑलरेडी, है ना, जला हुआ जीरा और ये सब उसके हिसाब से भरा है जितनी उसके पेट में जगह है। कहते हैं ना जितना पेट में जगह उतना ही खाना चाहिए। अरे तो हाथ से भरोगे तो उसको ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी इसके बाद का प्रोसेस तो ऑब्वियसली इसमें डिप करके हमारे तलने का है, वो हम जब करेंगे कि हमारी दावत है इसलिए हम कम मिर्ची बना रहे हैं, कम मसाले बना रहे हैं। जो दावत वाले हैं जब ये ब्लॉग देखेंगे वो भी ऐसी आँख मार रहे होंगे। हाँ तो फरुख मामू देख रहे हैं ना ब्लॉग, तो उनको ही बोल रहे हैं हम। अब ये मिर्चियाँ सज चुकी है। यस, ये फाइनल घी बन चुकी है। थोड़ा डालेंगे बैटर में तले तलाने वाली चीज़ें, ऑब्वियसली लास्ट में करेंगे ताकि सारे रोज़गार को गरम गरम मिले। तो क्योंकि हसन ने आने में देर कर दी है, वैसे मैंने इसमें चुटकी भर हींग डाली है और मीठा सोडा एज आई सेड, मीठा सोडा इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, वो मैंने अभी डाला है। उससे बहुत अच्छा फूलता है और पेट भी फूलता है। कुछ हो रही है Nice. हींग हम दिल्ली से लेके आए थे, ये स्पेशल वाली हींग है।
अभी ये इसकी दुम पकड़ के, अब्बा को बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं इसको दुम बोलूं क्योंकि उनके चूहे नहीं पसंद, बट इसकी दुम पकड़ के दिखाओ। मैंने पूरे घोल में, थोड़ा मेरा घोल पतला हो गया ऐसा लग रहा है, बट पूरे घोल में ऐसे लपेट के और फटाफट अंदर डाल दें। गैस मीडियम रखें ताकि आपके पकौड़े जल ना जाएं। इसी के साथ ये गया अंदर, अंदर से बाहर आया, और ऐसे ही मैं बाकी बचे हुए सारे करूंगी। सो हसन विल ट्राई एंड लेट यू नो हाउ इट टेस्ट। हाँ जी, सबने खोल लिया है रोजा, तो टेस्ट करिए और कैसे लगा बताइए। बहुत अच्छा, मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा है एज यूजुअल, एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग प्लीज ट्राई करें सब लोग घर पे ये रेसिपी। मम्मी की तो ये फेवरेट है ना मम्मी? बहुत टेस्टी, मेरा फेवरेट है, मजा आ गया था। वो कैसा लगा? अभी टेस्ट करूंगा और बताऊंगा मैं। बताइए। मिर्ची वड़ा, मिर्ची वड़ा, यम्मी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मेहनत सफल हुई मेरी, बहुत बढ़िया। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करें और अगर अच्छा लगता है तो शिरिन को टैग करें वहां पर। और हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए, फारुक मामा के घर जा रहे हैं। मम्मी रेडी हो चुकी हैं एकदम, बिल्कुल ही अनारकली लग रही है। और उधर हमारी बेगम वो भी तैयार हो गई हैं, बाल बांध रही हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत लग रही है। ओ क्या बात है, माशाल्लाह। चलिए साहब चला जाए। और मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ? मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, मैं भी ऐसी दिख रही हूँ और ये कुछ ऐसी दिख रही हैं, माशाल्लाह। एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच, डैडी ने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है, मैं आप लोग के कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं डैडी की। वाह, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यस रियली, अब अगले बच्चे में सारे रमजानों में अब्बा ही इफ्तारी बनाएंगे। If you smell what the rock is cooking. यहाँ पे चाबी का पंगा हमेशा चलता रहता है क्योंकि अब्बा हमेशा चाबी भूल जाते हैं और हसन कभी चाबी लेते ही नहीं है। याद रखने वाले हैं मम्मी और मैं सिर्फ। मम्मी याद दिलाती है और मैं भाग के लेके आती हूँ। और कोई नहीं है इस घर में। चलिए भैया, हम लोग जा रहे हैं एक बढ़िया से डिनर पे, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि माहौल क्या है। लेट्स गो। यार डॉग हो तो जब देख के चला करो ना, लंगड़ा रहा था ना उनमें बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ चल रहा था। यार आज हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके से कुछ सेटअप हुआ था। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और जो सेटअप था वो यहाँ था होली का, सुपर कूल। सो हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं जिस जगह पे मैं बात कर रहा था। मैं हम लोग दावत आए फारूक मामा के घर। हेलो, हाउ आर यू? के पास फारूक मामा इज अ वेरी रिनाउंड एक्टर इन द इंडस्ट्री, हैज बीन वर्किंग फ्रॉम कितने इयर्स हो गए आपको? मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। मैंने आज सुबह ही मैंने बताया था कि आज हम फारूक मामा के घर जा रहे हैं। ही इज आल्सो एन एक्टर एंड मामी इज आल्सो विद अस। शी इज एन आर्किटेक्ट। शी इज एन आर्किटेक्ट एंड माशाल्लाह हम लोग एंड वी एनीवेरी भाजी शमाइला 10th का एग्जाम, माशाल्लाह बोर्ड्स। तो अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, वी आर हेयर फॉर दी दावत, रमजान की दावत के लिए हम लोग आए हैं। माशाल्लाह वी हैव सच गुड आइटम्स हेयर ऑन द टेबल एंड जो कि इन्होंने खुद बनाया है। मैं एक्चुअली बहुत सुपरस्टार हूँ, मैं सबको ये बात बोलता रहता हूँ, कोई मानता नहीं है। एक्चुअली सब मानते, मेरी बीवी नहीं मानती है बस। बहुत कुछ है रमजान में बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है सीरियसली। आई नो, तो बोले ठीक है भाई, तो क्या इरादा है आगे काम करना है? मैंने कहा सर मैं पेमेंट लेने आया था। बोले जा जा कर ले कर ले। इजीली ही गेम मेरा मनी है ना, कपिल गोस्वामी इसने बहुत अच्छा बॉस था। तो उसने समझ लिया कि मतलब मैं बॉम्बे गया था और ऐसे से झूठ बोल के मैंने एक्टिंग की और जाके और काम किया।
फाइनली पेमेंट दिया उसने, मेरा पीएफ सब क्लियर कर दिया, सैलरी भी दे दी, फिर मैं बॉम्बे आ गया उसने काफी टाइम से, फिर वो तो अच्छा एक्सपीरियंस था। आज ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्या क्या करते थे बताइए अब आप। रोटियां हम लोग साथ में बनाते थे। ओके, सरताज भाई का जॉब होता था कि रोटी को बेलना है और तवे में डालना है, और मेरा जॉब होता था उसको सेकना था, पलटना और सेकना। मैं इसमें बालाजी शॉट दे रहा हूँ जूम वाला। रोटियां सेकना। क्या होता था, हम लोग जिस उसमें रहते थे वो पूरा परफेक्ट सेट था, वो कम्प्लीट एकदम। जब कोई आता था पहली बार आता था फिर जाता था, तो चलते वक्त पूछते थे भाभी का। कोई ये जरूर पूछ रहा है घर का सारा साजो सामान, सब कुछ सामान था। उस जमाने में मॉडलर किचन तो होते नहीं थे, वो तुमको याद होगा हो राम दूध वाला है ना, दूध वाला। तो दूध वाला हमारे यहाँ जो आता था वो नीचे साइकिल खड़ी की और उसमें हमारे यहाँ आया, और ऐसे ऐसे करके वो अंदर आया। आने के बाद भगोने में उसका काम क्या होता था, भगोने में उसने दूध डाला, दूध डालने के बाद उबाला, उबालने के बाद फिर आया बोले चाय पिए के, तो चाय उसने बना ली सबके लिए, तो क्योंकि उसे खुद पीना होती थी चाय। इनके घर पे आके चाय बनाता था दूध वाला, के पीता था चाय पीता था। तब वो कहता था वो बिस्किट्स कहाँ रखे हुए, वो बिस्किट भी खाने होते थे उसको, तो वो खा लेता था। अरे याद है आपको, सिर्फ गोभी गोश बनाया था उसमें कॉकरोच गिर गया, गोभी गोश बनाया प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला उसमें ऊपर ही कॉकरोच इतना बड़ा था, उसमें कभी क्या करें यार, तो करा क्या, लिया चम्मच से बाहर फेंक दिया। अरे रात को 11-12 बजे कहाँ से खाना मिलेगा, गोभी गोश छोड़ के क्या खाएं, सोच लिया चाइना से आया है। ये शिरीन की फिर से कमाई हुई है, ये शिरीन की कमाई है आज की, ये फिर से कमाई हुई है। आते रहना, बहुत अच्छा लगा मिलके। हाँ इंशाल्लाह, आइएगा मम्मा के साथ, अच्छा दुआ कीजिए इसके लिए, चमान से ऐसे बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या, तो हम लोग निकल गए हैं, बहुत ज्यादा मजा आया फारूक मामू के यहाँ, और इंशाल्लाह हम लोग वापस मिलेंगे, और आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया हो, ऐसे हमारे व्लॉग्स देखते रहें, इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।